So nice to. So nice to see you. Nice to see you. That's a different thing. I can't see you. But nice to see you. Hey, Mubarak. Thank you. क्या बात है? ये हमारे नकली बचपन साहब हैं. आज आप गिफ्ट लेकर आए? गिफ्ट नहीं, ये 500 रुपए का है, वो 700 रुपए का है. आप वैलेंटाइन के बुके भेज रहे हैं? तो वैलेंटाइन के दिन क्या मैं पटाखे भेजूं? है? वैसे पटाखे भी हैं, आई आई वो भी हैं. हाँ, ये 4 रुपया, ये 7 रुपया. ये बिजली बम. और ये तो कुछ भी नहीं है. पेपर 120 रुपया, पेपर 120 रुपया, हाय पेपर 120 रुपया, हाय ट्रेनो जंगलो बस हो. बहुत काम आता है पेपर 120 रुपया. बैठिए बैठिए. वो क्या है ना, मैं नकली हूँ तो घर चलाने के लिए ये सब करना पड़ता है. हम बाद में आपको दे दें. हाँ जी, हाँ जी. आप बैठिए, तो आप असली वाली इज्जत दे रहे हैं इनको. वैसे आप दोनों को मेरा डंबल प्रणाम. दंडवत, दंडवत प्रणाम होता है. आपने बॉडी देखी उनकी? इनको दंडवत नहीं, इनको डंबल ही लगता है. वैसे आप तीनों से मिलके बहुत खुशी हुई. तीन कहाँ हैं, दो हैं. आप भी तो हैं. हाँ, मतलब वो तो है. आप अपने आप को सेलिब्रिटी क्यों नहीं मानते हैं? माना करो यार, माना करो. नकली तो मैं बनकर आता हूँ, आप तो असली हैं. बच्चन साहब, अब आते ही अपनी बातों में लग गए आप. हमारे मेहमानों से तो बात करो आप फिर. अरे वो मेहमान नहीं है, दे आर माई फैमिली फ्रेंड्स. हम लोगों की मुलाकात अक्सर होती रहती है, राइट? कोविड की वजह से वी कुडंट मीट ईच अदर. मेरी दिली तमन्ना है कि हम साथ में जलसा में बैठ के चाय पिए. पर आप तो नकली हैं. वो तो असली है ना. इनको तो वहां पर जाने देंगे. तो जब आप जाएंगे तो मुझे भी साथ में ले जाइएगा प्लीज. मेरी इतनी तमन्ना भी पूरी हो जाएगी. क्या बात है, व्हाट अ लवली फिजिक. करण इज अ फिटनेस फ्रीक. हाँ, जिम के बहुत बड़े फैन है ये. ये पूरे दिन में 12 घंटे जिम करते हैं और 12 घंटे एक्सरसाइज करते हैं. ये दोनों तो एक ही बात हो गई ना. हाँ, तो मैंने कहा ना, इज अ फिटनेस फ्रीक, ये 24 घंटा एक्सरसाइज ही करते हैं. यू नो, मेरा भी जिम जाने का बहुत मन करता है. चले जाया करूं, लेकिन मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता. तो इसका जिम से क्या लेना देना? नहीं उठाता, नहीं तो फीस नहीं भर पाता ना, तो फिर मैं जिम कैसे? मैं नकली हूं ना. देखिए बचपन साहब, वैलेंटाइन वीक चल रहा है, आपका कोई प्रोग्राम नहीं है? वैलेंटाइन वीक जी. एक मोहतरमा से मेरी मुलाकात हुई थी. अच्छा जी. मैंने उनको 4 ऑप्शन दिए. क्या? अभी 50-50 है. अगर उनका फोनो फ्रेंड आ गया तो फिर ऑडियंस पोल के नीचे हमारी मुलाकात जरूर होगी. बचपन साहब, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? पिडली से बात है. पिडली सी बातें करते रहना चाहिए. यू नो, मेरी एक और मोहतरमा से मुलाकात हुई. मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगी? एंड ही सेड नो. ही सेड नहीं, शी सेड नो. नहीं, उनके पति ने मना कर दिया ना. ही सेड नो. पति ने मना कर दिया. ही सेड नो. बट शी सेड नो.
अच्छा मोहतरमा ने भी आपको मना कर दिया? No, she said no, 9 बजे मुझे आके मिलो। और मैंने कह दिया no means no। अच्छा आपने मना कर दिया? नहीं मना नहीं किया, मैंने कहा सुबह 9 बजे मिलूंगा। 9 means 9, सुबह के 9। अच्छा डिनर के लिए। एक मिनट कपिल साहब, एक छोटा सा काम कर देंगे आप मेरा? जी सर। ये मेरा नौकर है, ये 15 दिन की छुट्टी मांग रहा है, तो आप इससे पूछिए कि छुट्टी क्यों मांग रहा है। आप खुद पूछ लीजिए ना, मुझे क्यों बोल रहे हैं? अरे नहीं बाबा, अगर मेरे सवाल का उसने सही जवाब दे दिया तो मुझे उसको पैसे देने पड़ जाएंगे। क्योंकि मैंने अपने नौकर को सैलरी पे नहीं रखा है, सवाल जवाब पे रखा हुआ है। सही आंसर देगा तो मिलेगा। हाँ, मुझको लगा था अनपढ़ है, सही जवाब नहीं दे पाएगा। बहुत बड़ा शाना निकला, हर बात का सही जवाब देता है। बचपन साहब, आप अपनी बात करने शुरू हो गए, उनके गेस्ट के साथ उनकी बात करो ना कोई आप। अरे नहीं जरूर बिपाशा, वी हैव वर्क टुगेदर। आए यस, आपने मेरा गाना देखा होगा, वो खई के पान बनारस वाला। लेकिन मुझे अपना पान पसंद नहीं है, मुझे आपका पान पसंद है। इनका कौन सा पान है? आवारा पान। आपका पान कमाल का है। What a wonderful actor you are. No entry में क्या काम किया था बिपाशा के लिए। वैसे कमाल की बात है, कल ही मैं नो एंट्री में चला गया। हाँ, मैं से नो एंट्री में जा रहा था। आपका सुप क्या? कोई खरीदता ही नहीं है, ये गिरता है, मैं खुद डालता हूँ और खुद 10 रुपए अपनी जेब में डाल देता हूँ। बड़ा प्रॉब्लम। फिर आप क्या? फिर मैं नो एंट्री में घुस गया। नो एंट्री में जा रहा था और कमाल की बात है, आरटीओ वाले ने मेरा चालान भी नहीं काटा। क्यों? क्योंकि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। फिर तो फिर ये क्या कर रहे थे आप? ये तो मैं जॉगिंग कर रहा था ना। वो क्या है कि फैंस के पीछे भी भागना पड़ता है। अरे फैन आपके पीछे भागेंगे? वो तो असली वाले के पीछे भागते हैं ना। हम तो खुद ही पब्लिक के पीछे रहते हैं, क्योंकि असली वाले के हम भी बहुत बड़े फैन हैं। एक मिनट, हमने यहाँ पे दिलेर पाजी को बुलवाया था, आप कहाँ से आ गए? आना तो दिलेर पाजी ने था, उनकी आवाज मेरे से निकली नहीं, मैं मीका बन के आ गया। सबसे पहले तो नकली बचपन भाजी पैर पहना। जैसे मैं नकली बचपन हूँ, ये मीका की 7वीं नकली कॉपी है। देख लो अर्चना जी। हाँ जी। एक नकली एक्टर ही नकली एक्टर की इज्जत करता है। कपिल, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुमने करण जी को और बिपाशा जी को बुलाया मेरे मन पर। आप दोनों को मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। बॉलीवुड की बहुत प्यारी जोड़ी, और तालियां। करण भाई। सीधा भाई, मैं बहुत खुश हूँ आपको। बैठिए प्लीज, बैठिए बैठिए। इतनी इज्जत नहीं अपनी। नहीं वो बताया गया नकली, हम भी नकली, ये भी नकली। तो बिपाशा जी, मैं इतना खुश हूँ सच्ची। एक पर्सनल सवाल है, इफ यू डोंट माइंड। नो, आई डोंट माइंड। जैसे इंडस्ट्री में बहुत सारे करण हैं, आपने कैसे डिसाइड किया कि मेरे वाला करण यही होगा? ये क्या बदतमीजी है? नहीं, ये बदतमीजी है? वैलिड क्वेश्चन। मेरे हिसाब से बदतमीजी वो होती है जिसमें पुलिस आ जाए। ये कोई मेरे तो एक को प्यार है, मतलब ऐसे पूछ लिया क्या होगा? ये आप क्या कर रहे हैं? आपको यहाँ पे किस कार्य के लिए बुलाया गया है और आप क्या कर रहे हैं? किस वाला काम मैंने बंद कर दिया? क्या है? मैं आपको अच्छा बिपाशा जी, एक चीज और पूछनी है। पूछनी क्या? मैंने बतानी है कि मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। इतना बड़ा फैन हूँ आपका, आज मैं सबके सामने कहता हूँ कि मैंने आपका बाजू पे टैटू भी बनवाया हुआ। अरे वाह, कौन से बाजू में बनवाया? नहीं नहीं, वो बाजू में मेरा दोस्त है, उस पर मैंने बनवाया। वो चिल्लाता रहा, नहीं नहीं छोड़ो मुझे, मैं सलमान का फैन हूँ। मैं कहा नहीं, जिसका मैं फैन हूँ उसका टैटू बनेगा, मैंने बनवाया। सुनिए, आपने इनकी कौन कोई फिल्म देखी है? आप फिल्म की बात कर रहे हैं? फिल्में देखी, फिल्में सारी फिल्में देखी मैंने। कपिल, मैं झूठ नहीं बोलता जी, मैंने आपकी लव स्टोरी भी देखी। वो hey, एक मिनट, लव स्टोरी नहीं, इन्होंने हेट स्टोरी में काम किया था। इनकी असली लव स्टोरी मैंने देखी है। अच्छा। ये लव स्टोरी जो है ना, ऐसी लव स्टोरी कहीं और नहीं सकती।
मुझे सब पता है जब से आपका प्यार चल रहा है मैं मुझे मुझे यही पता है पहले आप अलग अलग रहते थे आजकल आप इकट्ठे रहते हैं तो पहले शादी नहीं हुई थी ना आप शादी हो गई है साथ में रहेंगे ना अच्छा ये होता है मतलब शादी से पहले इकट्ठे नहीं रहते थे मेरे को पता नहीं कपिल तूने बताया मेरे को एक सेकंड राजू मेरे घर से निकल जा शादी से पहले हम इकट्ठे नहीं रह सकते एक मिनट हाँ बचपन साहब एक आलू वाला परौठा एक कप चाय बना दो मजा आ जाए अरे मैं क्यों बनाऊं आपके लिए और राजू को निकाल दिया कौन है भूखा थोड़ी मरना मैंने अच्छा एक एक आपकी तो शादी हो चुकी है ना अरे 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 राजू बचपन साहब के घर पे तुम रुक जाओ वो शादीशुदा है ये क्या बकवास लगा रखा है आपने जिस काम के लिए आए वो करिए काम करिए एक बढ़िया सा गाना गाइए आप गाना गाइए मैं लिप सिंक करूंगा ओके क्या बात है मेहनत हम करें क्रेडिट ये मैं गाना गाऊंगा ये तो गंदी बात आप कर रहे हैं ऐसे नहीं होगा मैं गाना गाऊंगा हाय फ्रेंड्स आज है वैलेंटाइन जोर से तालियां बजाएं आपके लिए आज आज रेडी पार्टी सॉन्ग और हाय हाय पार्टी नाइट आपकी पार्टी में हमेशा पुलिस आ जाती है आप कोई बढ़िया सा कुछ रोमांटिक सुनाइए हाँ ठीक है तो पेश है 12 महीने से 12 तरीके से तुझको प्यार सिखाऊंगा रे नहीं 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 थोड़ा कम करिए 12 महीने में 8 तरीके से प्यार सिखाऊंगा मैं नहीं नहीं तरीके जो हैं वो 12 ही रहने दीजिए महीने थोड़े से कम कर दीजिए भाई, मतलब ये भाई तीन 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 महीने ये बहुत 3 महीने में 12 तरीके मेरे नहीं हमारा डिफिकल्ट हो जाएगा ठीक है फिर हम किसी और को देख लेते हैं बचपन साहब हाँ। यार कमाल है आपका हम केबीसी देखते हैं हाँ। उसमें 4 ऑप्शन देते हो हमने कभी कहा 2 कम कर दो देख रहे हो तो प्लीज एडजस्ट करो मतलब आप 12 महीने से नीचे नहीं आएंगे नहीं मैं 12 महीने तो 12 महीने आप 12 महीने से नीचे नहीं हैं। बिल्कुल नहीं मिक्का के अंदर छुपे लहरी साहब यहाँ पर आपके 2 एपिसोड बड़ी मुश्किल से निकलते हैं और ये 12 महीने की तैयारी कर रहे हैं वाह वाह फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़